भारत के खेल जगत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। आज के दिन भारत के राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से भारत के लोह पुरुष, भारत रत्न और गुजरात के सुपुत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ जोड़कर एक बड़े स्पॉट एंक्लेव का भूमि पूजन करने की शुरुआत आज राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हुई। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, जिसका ये विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहां पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था पर यहां पर होगी, उनके कोचिज को रहने की भी व्यवस्था होगी और एक साथ 3000 बच्चे यहां पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था का आज निर्माण और उसकी शुरुआत, इसका भूमि पूजन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हो रहा है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद और गौरव दोनों है, क्योंकि मैं यहाँ से सांसद भी हूँ। राष्ट्रपति महोदय, आज आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पधारे हैं, इसलिए सांसद के नाते भी मैं आपका विशेष स्वागत करना चाहता हूँ। मित्रों, कोविंद जी जिस दिन भारत के राष्ट्रपति बने, इस दिन भारत के करोड़ों सामान्य जनों के मन में एक श्रद्धा जागृत हो गई कि हमारा लोकतंत्र नीचे तक परकोलेट हो चुका है। एक सामान्य घर से जन्मा हुआ, संघर्ष करा हुआ व्यक्ति, एक देहात के अंदर पला बड़ा व्यक्ति अपनी शिक्षा के दम पर, अपने कर्तृत्व के दम पर, अपनी निष्ठा के दम पर और अपनी मेहनत के दम पर भारत के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हो सकता है, यही हमारे लोकतंत्र का गौरव। जब मैं पार्टी में था, कोविंद जी भी पार्टी का काम करते थे, हमने साथ में बहुत काम किया है। इतनी सरलता, इतनी लगन, इतनी मेहनत शायद ही किसी व्यक्ति में एक साथ मिलती है। और अपने आप को आगे न करते हुए चुपचाप अपने दिया हुआ काम करना और गौरव के साथ करना और काम को भी गौरव देना, ये किसी दक्ष व्यक्ति में ही इतने सारे गुण समाहित होते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन को उन्होंने आम जन के लिए खुला कर दिया और राष्ट्रपति भवन के अंदर कई ऐसी एक्टिविटियां की, कई ऐसी गतिविधियां की, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति भवन लोगों को आज अपना लगने लगा है। और मैं मानता हूं इससे हमारे लोकतंत्र का गौरव बढ़ा है। और राष्ट्रपति महोदय, आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार बड़े मन से, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये टोटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल, वो 233 एकड़ भूमि में बनेगा। ये देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके साथ नारायणपुरा में एक 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये स्पोर्ट्स एंक्लेव, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में, एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों लोगों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई है। और ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से
जाना जाएगा जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। मित्रों आज मैं जब यहां पर इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं तब मुझे मोदी जी का ये सभी जो सुविधाएं खड़ी हो रही है इसके लिए उनकी जो दूरदर्शिता थी उनका जो विजन था उसका जिक्र अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने बार उन्होंने गुजरात के मंत्री में कहा कि गुजरातियों को दो चीजों में आगे बढ़ना चाहिए, सब चीज में हम आगे हैं, दो चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। सेना में भर्ती का कोटा भी हमारा खाली रह जाता था और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी गुजराती कहीं दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी ढूंढो दिखाई नहीं पड़ते थे। वहीं से नरेंद्र भाई ने गुजरात में दोनों की चीजों की शुरुआत की और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा गुजरात का कोटा है सेना की भर्ती का वो आज खाली नहीं जाता है। गुजराती युवा आज सेना में भर्ती होना शुरू हो गया है। और जहां तक खेल कूद का सवाल है, जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, खेलो गुजरात की शुरुआत करी, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स सुविधाओं के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया, उसको विजुलाइज किया, उसको जमीन पर उतारा, उसको मूर्त रूप दिया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद मैं ही आग्रह करने गया था, हम सबके आग्रह का सम्मान करते हुए वो उसके अध्यक्ष बने और एक विजन से क्रिकेट का पैसा सिर्फ क्रिकेट में न रहे, सारे खेल को, सारे स्पोर्ट जगत को नर्सिंग करने का काम, इस विजन के साथ इन्होंने इसकी दूरदर्शिता के साथ उसी वक्त प्लानिंग की थी। और जब स्टेडियम बनाने की बात तब उन्होंने हम सबके सामने कहा था छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर्मकमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। ये जो सुविधाएं जो होने जा रही है, इसके पहले मैं थोड़ा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। मित्रों 32 ओलंपिक साइज के फुटबॉल जितना ये मैदान है, 2,48,714 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल, 1,14,126 घन मीटर कंक्रीट और 13,306 मैट्रिक टन लोहा इसके सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में किया गया है। मित्रों इसको सभी दृष्टि से संपूर्ण स्टेडियम बनाने का जीसीए की टीम ने प्रयास किया है और मैं आज उनको कहना भी चाहता हूं कि आपका प्रयास सफल प्रयास है। विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 11 पिच नहीं है, एक साथ 4 ड्राइंग रूम नहीं है, एक साथ चारों ड्राइंग रूम के सटे हुए चारों जिम्नेशियम नहीं है। एक दिन में 2 मैच भी करने हैं तो स्टेडियम कर सकता है और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सब सॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं, इस प्रकार का करा है। द बिल्ड ऑफ प्ले एलईडी लाइट्स लगाए हैं जिसके कारण खिलाड़ी की परछाई पिच पर नहीं पड़ेगी, खिलाड़ी की परछाई ग्राउंड पर नहीं पड़ेगी और क्रिकेट के खिलाड़ी अपना क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे और जिसमें 40-50% बिजली की बचत भी होने वाली है। मित्रों जिस प्रकार का हाईटेक मीडिया रूम बनाया है मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक मीडिया रूम है जो यहाँ खेलने वाले हर खेल को दुनिया तक पहुंचाने का काम करेगा। खेल चाहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाए,
खेल चाहे सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव के अंदर खेला जाए, वो खेल को प्रसारित करने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के मीडिया रूम में है। और हाईटेक मीडिया बॉक्स जो बनाए हैं वो भी अपने आप में एक बहुत आधुनिक प्रकार के बॉक्सों का सृजन मेहनत कर प्लानिंग कर जीसीए के माध्यम से किया गया है। यहाँ पर आवाजाही के लिए बीआरटीएस से भी जुड़ने वाला है, मेट्रो भी यहाँ तक पहुँचने वाली है, और जब ये रिवर फ्रंट का एक्सटेंशन समाप्त हो जाएगा, एक सुंदर माँ नर्मदा और साबरमती के नीर हमेशा यहाँ शांति और शीतलता प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार का एक कुदरती नजारा यहाँ पर बनने का काम समाप्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ही अलग अलग प्रकार के कई खेल को खेलने की व्यवस्थाएं की है, खिलाड़ियों को रहने की व्यवस्था की है, और इसके कोचिज को रहने की व्यवस्था भी सरदार पटेल स्पोर्ट एंक्लेव के अलावे करी। और इसके साथ अहमदाबाद शहर, गांधीनगर जिला और अहमदाबाद ग्रामीण जिला के 600 स्कूलों को हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं, जिनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है। इनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों को खेलने की सुविधाएं नहीं। अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो हारेगा कैसे? वो हार को हजम नहीं कर पाएगा। जीतने का जज्बा कैसे खड़ा होगा? जीतने का जनून कैसे खड़ा होगा? और ये संस्कार जो बच्चे में रह जाते हैं वो उसको एक अच्छा मनुष्य बनते हुए रोकते हैं। हम 650 स्कूलों को, 600 से ज्यादा स्कूलों को, लगभग 650 स्कूलों को इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ जोड़ने वाले हैं। 34 बसें उनको लाने ले जाने का काम करेगी। इनके सारे पीटी के पीरियड एक साथ कर सप्ताह में एक दिन बच्चा यहाँ आएगा, पूरा दिन खेलेगा, खाना भी यहाँ खाएगा और शाम को सुरक्षित अपने घर पर पहुंचेगा। एक कंप्लीट 3 जिलों की स्पॉट की सुविधा यहाँ पर खड़ी हो, इस प्रकार के विजन के साथ मोदी जी ने इसका स्केच बनाया था। मुझे आनंद है कि इनके बाद मैं अध्यक्ष बना, इनके बाद ये जीसीए की टीम यहाँ पर बैठी है, जय और दंडराज बैठे हैं, इन सब ने इकट्ठा बैठ कर होकर आज मोदी जी के विचार को जमीन पर उतारने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम देश की सेवा करने के लिए यहाँ पर है। स्टेडियम ऐतिहासिक स्टेडियम है, कई सारे रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहे हैं, आज भी बने हैं। आज भी एक मैच यहाँ शुरू होने जा रहा है, पिंक बॉल का मैच पहली बार स्टेडियम पे खेला जाएगा। और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है, मैच के रेफरी श्रीनाथ है। मित्रों, श्रीनाथ के लिए ये जो हमारा स्टेडियम, ये भूमि है, बहुत यादगार है कि उन्होंने यहाँ पर ही अफ्रीका के सामने मैच खेलते हुए 6 विकेट झटकाए थे और भारत को विजय दिलाने का काम किया था। इसी ग्राउंड पर 10 साल के बाद कपिल देव ने रिचर्ड हेडली का 431 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर भारत को वर्ल्ड रिकॉर्ड की तालिका में डालने का काम कपिल देव ने इसी भूमि पर किया था। और इसी भूमि पर सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अपने 10,000 रन समाप्त करे थे। इसी भूमि पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 2011 के वर्ल्ड कप में एक दिवसीय मैच में 18,000 रन पूरा करने का काम किया था। इसी भूमि पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी करियर के 20 साल भी पूरे किए थे। मित्रों, चेतेश्वर पुजारा भी यहां पर डबल सेंचुरी लगा रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं। मैं तो आशा करता हूं कि आज उसको वो रिपीट करें और भारत को विजय दिलाएं। मित्रों, मैंने आप सभी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करी, मगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्वयं जिसका एक अंग है, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एंक्लेव का भी आज महामहिम ने भूमि पूजन किया है। मित्रों, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। आज हमारे देश को जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के अंदर हमारे बच्चे दिखाई पड़े। जब अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की तालिका बने, हमारे बच्चों के नाम पर कई सारे मेडल्स हो, मगर वो वैसे ही नहीं होता है।
उनको खेलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेगा, इंटरनेशनल स्तर की कोचिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कोच उपलब्ध कराने पड़ेंगे। और यही अगर सब एक जगह पे हो जाता है तो सोने में सुहागा होता है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अहमदाबाद को, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पॉट एंक्लेव को बनाकर। मित्रों, मोदी जी की सरदार पटेल के लिए जो श्रद्धा है वो अगाध है। सरदार पटेल का जो योगदान देश को आजादी के बाद एक करने में रहा, शायद सरदार न होते तो हम बिखर जाते, कहीं नहीं होते। सरदार का ये दृढ़ निश्चय स्वभाव ही था कि जिन्होंने 600 से ज्यादा राजो रजवाड़ों को, रियासतों को एक करने का काम किया, मगर उनके साथ इतिहास में बहुत अन्याय किया गया। जब जब कांग्रेस का शासन रहा, सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास कर दिया। उस नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, कोई कितनी भी वर्षों शासन करे, सरदार को कभी भुला न पाए, युगो युगो तक सरदार का नाम अमर हो जाए। उन्होंने केवड़िया में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू, गुजरात के सुपुत्र और देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम पर बनाकर, आज ताजमहल से ज्यादा लोग सरदार पटेल के वो स्टैच्यू को देखने आते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखते हैं। ये जवाब है उन लोगों को जो अपने परिवार के साथ सिमटे हैं। और आज मोदी जी के ही गाइडेंस से, मोदी जी की ही प्रेरणा से यहाँ सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव बन रहा है, जो आने वाले कई सालों तक देश भर के बच्चों को दुनिया के खेल स्पर्धाओं में आगे आने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करेगा। मित्रों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका एक हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, सहारनपुरा का स्पोर्ट्स स्टेडियम भी रहेगा और गांधीनगर का क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा। ये सब मिलाकर कोई खेल ऐसा नहीं होगा जो ओलंपिक के अंदर खेला जाता होगा और इसको खेलने की सुविधा नहीं होगी। ओलंपिक के अंदर खेलने जाने वाले सारे खेल एक ही जगह पे खेलने की व्यवस्था आज नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। और मित्रों, इसके साथ 3000 खिलाड़ियों को रहने की अलग से व्यवस्था है। 3000 बच्चे यहाँ रहकर अपने आप को, अपने कोच के मार्गदर्शन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। 250 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचिज की रहने की व्यवस्था है। ढेर सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ी है वो स्ट्रगल अगली पीढ़ी को न करनी पड़े, इसलिए पूरी सुविधा देश के प्रधानमंत्री जी आज बना रहे हैं। मित्रों, ये एंक्लेव सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों और उच्चतम खेल के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और किसी भी एक शहर में इस प्रकार की व्यवस्था भारत में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी ने हेरिटेज सिटी तो बनाया था अहमदाबाद को, आज अहमदाबाद भारत का स्पोर्ट सिटी भी बनने के लिए तैयार खड़ा है और अहमदाबाद भारत का स्पोर्ट सिटी माना जाएगा। खेल के कई कुंभ, ये भूमि जो अभी दिखाई पड़ रही है साबरमती की, वहां पर आने वाले दिनों में होगा। ये टोटल, ये तीनों मिलाकर 233 एकड़ भूमि पर ये स्पोर्ट्स संकुल बनेगा और लगभग 93 लाख वर्ग फीट सिर्फ दाहिनी ओर है स्टेडियम को छोड़कर, 93 लाख वर्ग फीट का स्पोर्ट्स संकुल होगा। लगभग 4600 करोड़ रुपए की लागत आएगी, 3200 करोड़ रुपए का सरकारी निवेश होगा, 1400 करोड़ रुपया पब्लिक पार्टनर्स पब्लिक पीपीपी मॉडल पर इसको ले जाएंगे। और भारत गुजरात सरकार ने, नितिन जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनका और विजय भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी भूमि भी यहाँ पर देने का काम गुजरात सरकार ने किया है। मित्रों, ट्रैक एंड फील्ड तथा फुटबॉल के लिए 50,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक एथलेटिक स्टेडियम यहाँ बनेगा। एकाधिक दर्शक खेल के लिए 12,000 लोगों की सुविधा वाला इंडोर स्टेडियम बनेगा। एक और इंडोर स्टेडियम बनेगा जिसके अंदर 15,000 लोग बैठ पाएंगे और 15,000 लोगों की हॉकी स्टेडियम भी बनेगा। जैसे आज यहाँ नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण हुआ है, महामहिम के नाम से ही हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के नाम से, वो हॉकी स्टेडियम का भी भूमि पूजन आज ही
महामहिम के हाथों से पूरा हुआ है। ये सारे तीनों सुविधाएं होकर कुल मिलाकर 20 स्टेडियम बनेंगे स्पोर्ट्स के बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट की सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए और दूरदर्शिता के साथ खिलाड़ियों को खेलने की व्यवस्था करने के लिए, और जो खिलाड़ियों ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामना दिलाई है वो सभी के नाम पर ये हर एक स्टेडियम का नामकरण किया जाएगा, जिससे कि खेल को बढ़ावा देने वालों को भी प्रेरणा मिलेगी, खेल के कोचिज को भी प्रेरणा मिलेगी और खेलने वालों को भी प्रेरणा मिलेगी। एक तरफ से ये बहुत कंप्लीट स्पोर्ट संकुल बनने जा रहा है। यहाँ पर लगभग 3000 अपार्टमेंट्स बनेंगे जिसमें 12,500 बच्चे रह पाएंगे। 3000 अपार्टमेंट और 12,500 बच्चे एक साथ यहाँ पर कोचिंग कर पाए, इस प्रकार की व्यवस्था की है। 250 कोच बनेंगे, लगभग 12,000 कार और 35,000 टू व्हीलर्स के पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर होनी है और मेट्रो भी आगे बढ़ेगी तब यहाँ तक पहुँच जाएगी। एक प्रकार से एक शहर के अंदर शहर को जोड़ने का, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जोड़ने का, सरदार पटेल स्पोर्ट एंक्लेव से जोड़ने का एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे बढ़ने जा रहा है। नारायणपुरा के अंदर लगभग 17 एकड़ से बड़ी जमीन के अंदर 77,000 चौरस मीटर के एरिया में 458 करोड़ के रुपये की लागत से एक दूसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है, जिसका भी नामकरण होना बाकी है। मेरे लिए आनंद की बात है, रिज्जू जी यहाँ बैठे हैं, अभी बजट के बाद इन्होंने इसको अप्रूव किया है, और मेरे लिए आनंद की बात है गांधीनगर स्टेडियम भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, सरदार पटेल एंक्लेव भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और ये नारायणपुरा का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होने वाला है। तो पूरा खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में होने वाला है, इसका मुझे बहुत आनंद है। एथलेटिक स्टेडियम बिल्डिंग वहाँ पर एक बनने वाला है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के 33 खेलों को खेला जाएगा। मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम भी वहाँ पर बनने वाला है। टेनिस स्टेडियम बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनने वाला है। एक्वेटिक स्टेडियम बिल्डिंग भी वहाँ पर एक बनने वाला है। स्विमिंग पूल की भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर बनने वाली है और कुल मिलाकर वहाँ पर भी 6,000 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था भी करी है। ये सारी सुविधाओं को विजुलाइज कर संकलित किया गया है जिससे रिपीटेशन भी ना हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बने, और जब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए अहमदाबाद शहर को और भारत को बिडिंग करना है तब वो 50 किलोमीटर के दायरे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानांक माना गया है ये सारी सुविधाएं 50 किलोमीटर के दायरे में भी होगी, इसकी ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था होगी। एक संपूर्ण दूरदर्शिता के साथ अहमदाबाद के अंदर इतने बड़े स्पॉट सुविधाओं का आज भूमि पूजन लोकार्पण सब होने जा रहा है। मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं, मगर मोदी जी मुख्यमंत्री बने और मैं उनकी मंत्रिमंडल का सदस्य था, वो वहां पर प्रधानमंत्री बने, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। आज दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, मैं उनकी मंत्रिमंडल में उनका साथी के नाते काम करता हूं। मित्रों, उन्होंने हमेशा कहा है कि जब तक खेल में युवा आगे नहीं बढ़ सकता है देश के लिए युवा कुछ नहीं कर सकता है, और इसलिए इन्होंने खेलो इंडिया की शुरुआत की, फिट इंडिया मूवमेंट को हाथ में लिया, और खेलो इंडिया की शुरुआत को 2018 में जो हुई इतनी अच्छी सफलता मिली है जिसके कारण अब आप कोई भी स्पर्धा हो, कॉमनवेल्थ की हो, एशियाड की हो, ओलंपिक की हो, तालिका के अंदर भारतीयों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया बनाई, इनके कोचिंग की व्यवस्था करें, इनको उचित कैलोरी में उचित मात्रा में आहार मिल पाए इसके लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट को भारत सरकार ने रखा, और एक बजट के अंदर मस्त मोटी बढ़ोतरी कर स्पोर्ट की सुविधाओं को बढ़ाने का काम करा और तहसील तक स्पोर्ट्स को नीचे तक तहसील तक परकोलेट करने के लिए उन्होंने बहुत पेन लेके आगे बढ़े हैं, और मैंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा है। और देश में एक
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में उन्होंने बनाई, नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स में सबसे आगे होता है वहां पर बनाई, और आज अहमदाबाद में पूरी स्पोर्ट्स की सुविधाएं बनने जा रही है। मैं मानता हूं मित्रों कि ये दिन अब दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में एशियाड हो या ओलंपिक हो, हमें हमारे लोगों के, हमारे खिलाड़ियों के नाम हर तालिका के अंदर सिल्वर गोल्ड लेते हुए नजर आए। वो दिन भारत के लिए बहुत नजदीक है। आने वाले 8-10 साल में ही इस सुविधाओं से खड़े हुए खिलाड़ी दुनिया के अंदर अपना जज्बा दिखाते हुए भारत माता को सम्मान दिलाने का काम करेगा। मित्रों, मैं आज यहाँ से देश भर के युवाओं को अपील करने भी आया हूँ कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, और अब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। आत्मनिर्भर भारत का नारा का मतलब सिर्फ अर्थतंत्र के अंदर आत्मनिर्भरता नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, और खेलों के अंदर भी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, और खेलों पर भी, खेलों की दुनिया में भी भारत का नाम दुनिया में सर्वोच्च जगह पर रखने का लक्ष्य रखकर हमारे युवाओं ने परिश्रम करना चाहिए। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जहां तक कोचिंग का सवाल है, जहां तक एक वायुमंडल बनाने का सवाल है, मैं आपको मोदी जी की ओर से गारंटी देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार एक इंच भी आपकी मेहनत से पीछे नहीं हटेगी। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, चाहे वायुमंडल देने की बात हो, चाहे प्लेटफॉर्म देने की बात हो, मगर हमारा युवा आए, खेलों को अपनाएं, खेलों को अपनी करियर बनाएं और आगे बढ़े, और दुनिया में, खेलों की दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। और आज ये जो सुविधा यहाँ हो रही है, मुझे बहुत आनंद है कि ये एक शुरुआत है, अंत नहीं है, और हम सबका सौभाग्य है कि शुरुआत करने के लिए हमारे महामहिम राष्ट्रपति स्वयं पधारे हैं। उनके प्रेरणा से, उनके करकमलों से आज जो यहाँ पर काम शुरू हो रहा है, ये निश्चित ही दुनिया में भारत को यश दिलाएगा, दुनिया में भारत को विजय दिलाएगा, और मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना खेलों के क्षेत्र में भी हम पूरा करेंगे। मित्रों, फिर से एक बार अहमदाबाद के सभी लोगों को और देश भर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव और नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसके लिए मैं हृदय पूर्वक की सबको शुभकामनाएं भी देता हूं और खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो 650 स्कूलों के बच्चे यहां खेलने आने वाले हैं उनके माँ बाप, उनके अभिभावकों को भी मैं अपील करना चाहता हूं कि बच्चे को मैदान में खेलने दीजिएगा, मिट्टी के अंदर छोड़िएगा, तभी जाकर वो सफल नागरिक बन पाएंगे। हार को पचाने की आदत पड़ेगी, जीतने का जज्बा आएगा, जीत की आदत पड़ेगी, तो जो काम करेगा उसमें वो आपका नाम रोशन करेगा। सभी अभिभावक खेलों के लिए अपने बच्चे को इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के भेजने का संकल्प करें। यही अभ्यर्थना के साथ मैं फिर से एक बार महामहिम को मेरी ओर से धन्यवाद करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।